झारखंड राज्य को अब नया मुख्यमंत्री मिल गया है। 5 तारीख को सरकार बहुमत पेश करेगी और 6 या 7 को कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए, इसको पूरे तरीके से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदय शंकर भी मौजूद है। समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार को अब बहुमत पेश करना है। कहा जा रहा है कि 5 तारीख को सरकार बहुमत पेश करेगी। अभी 43 विधायकों की सूची उनके पास है, वीडियो भी वायरल होता है। अब कहा जा रहा है 44 विधायक है, यानी कि सीता सोरेन को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो किस तरीके से अब तमाम जो विधायक है हैदराबाद गए हुए हैं, रवाना हो गए। देखिए, बहुमत का जादू, एक आंकड़ा 41 है लेकिन अब 44 हो गए हैं सीता सोरेन के आने के साथ। तो अब सरकार पर फिलहाल कोई संकट नजर नहीं आ रहा। 38 विधायक चले गए हैं, उन्हें अब 5 तारीख को बुलाया जाएगा जिस दिन बहुमत परीक्षण की तिथि घोषित की गई है। और अब लग रहा है 6, 7, 8 इन 3 दिनों में किसी भी दिन कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। और ये बड़ी चुनौती होगी कि किसे किसे मौका दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चुनौती देखिए अभी ये है कि सीता सोरेन ने समर्थन दिया है, लेकिन समर्थन दिया है तो उन्हें कोई आश्वासन भी जरूर मिला होगा, क्योंकि वो किसी न किसी मांग को लेकर अड़ी थी। और पिछले 4 सालों से हेमंत सोरेन की जेएमएम की सरकार है, लेकिन उन्हें कोई पद नहीं दिया गया था और इस बात का मलाल उन्हें था। लेकिन लगता है कि अब उन्होंने अपनी बात रख दी होगी, कहीं ना कहीं सहमति दी गई है कि मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा तो हो सकता है चंपई सोरेन का पद उन्हें दिया जाए। तो सीता सोरेन अभी आए हैं और फिलहाल किसी तरह का कोई इब्बट नहीं है। इसके साथ अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि हेमंत सोरेन को 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। उनसे कई मुद्दों पर पूछताछ होनी है। ईडी के सामने सवालों की लंबी चौड़ी सूची है। एक तरफ तो जहाँ जमीन आवंटन है, माइंस आवंटन है, शराब घोटाले को लेकर कई सवाल हैं, इन तमाम चीज़ों पर पूछताछ होनी है। तो फिलहाल राजनीतिक हलचल यहाँ तेज रहेगी। और चंपई सोरेन, अमूमन परंपरा ये रही है कि शपथ लेने के बाद एक कैबिनेट की बैठक की जाती है, तो नज़र इस पर भी रहेगी कि चंपई सोरेन की पहली कैबिनेट की बैठक क्यों होती है, कब होती है, क्योंकि 2 मंत्री भी साथ हैं, सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम शपथ ले चुके हैं। तो करिश्मा कहा जा सकता है कि इंतजार करना होगा कि पहली कैबिनेट लेंगे तो चंपई सोरेन क्या क्या तोहफा देंगे। अभी उसकी तैयारी चल रही होगी और अभी तो फिलहाल वो लगता है कि बापू वाटिका गए हैं जहाँ वो पुष्प अर्पित करने के लिए। देखिए, आपने सीता सोरेन का जिक्र किया, सीता सोरेन कोई भी बैठक में मौजूद नहीं थी, ये सभी को पता है। अचानक से सीता सोरेन आ जाती है, सर्किट हाउस पहले जाती है, वहाँ पर विधायकों से मिलती है, फिर राजभवन आती है। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं आश्वासन मिला होगा कि आने वाले समय में आपको भी कोई पद मिल सकता है। क्या ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि सीता सोरेन आपने सही कहा कि कोई मांग को लेकर अड़ी हुई थी, तो क्या यहाँ पर उनकी मांग सुनी गई है, क्या इसी का हवाला देकर वो यहाँ पर पहुँची है? देखिए, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। वो तीसरी बार ये विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उपेक्षित रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब जेएमएम की सरकार है और वो सबसे बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की बहू रही हैं, दुर्गा सोरेन अब हालांकि रहे नहीं, लेकिन एक ज़माने में पार्टी में उनका खूब दबदबा हुआ करता था। शिबू सोरेन के साथ वो संघर्ष में साथ साथ रहे थे और उनका तो हक बनता है, लेकिन अब आपसी विवाद या वजह क्या थी कि उन्हें आज तक मौका नहीं मिला था, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बार खुलकर उन्होंने अपनी नाराज़गी जता दी थी और कहा था कि कल्पना सोरेन का नाम आ रहा है तो पहले मेरा नाम क्यों नहीं, मैं बड़ी बहू हूँ, क्योंकि वो छोटी बहू है। उनका कहना सही था और समर्थन अब शिबू सोरेन ने उनसे बात की होगी या फिर हेमंत सोरेन की तरफ से उनसे प्रस्ताव दिया गया होगा कि आपस का विवाद अभी उभारा ना जाए। और अब सीता सोरेन मान गई हैं, तो मानने की कीमत जरूर कुछ ना कुछ उन्हें दी गई होगी। उन्हें आश्वासन दिया गया होगा कि चंपई सोरेन का जो मंत्री पद है उन्हें दिया जाएगा तो विवाद खत्म हो जाएगा। और जहां तक रही बात बसंत सोरेन की, तो चूंकि वो अभी राजनीति में नए नए हैं और पहली बार विधायक बने हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए। तो ऐसे में बीच का रास्ता यही निकाला गया होगा कि सीता सोरेन को एक मंत्री पद पर सहमति बन गई होगी। क्या टूट की राजनीति को लेकर चंपई सोरेन कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, इस वजह से हैदराबाद तमाम विधायकों को शिफ्ट कराया जा रहा है? क्या ये लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है? क्या ये लग रहा है कि कई जो विधायक अन्य दल में जा सकते हैं, क्या यही डर सता रहा है अभी? देखिए, भारतीय राजनीति में अब ये परंपरा हो गई है कि मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद विधायकों को शिफ्ट कर दिया जाता है, कि क्योंकि आजकल सियासत होने लगती है, उन्हें कोई ऑफर कर सकता है या फिर जब उन्हें ये लगे कि मंत्री पद नहीं मिल रहा है, 4 साल ये 5वां साल चल रहा है और अब बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं इस कार्यकाल के, तो ऐसे में किसी की भी महत्वाकांक्षाएं जोर मार सकती हैं और ये परिस्थिति मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में, लेकिन हाँ, एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है और अब पाकुड़ से शुरू हो रही है और इधर नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है और तमाम विधायक चले गए हैं, कांग्रेस के विधायक भी चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं यात्रा फीकी हो जाएगी। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, लगता है कि वो भी विधायकों के साथ, कल तो वो भी जाने वाले लोगों में
शामिल थे, तो उनकी अगवानी कौन करेंगे, यात्रा कैसे होगी, ये कई सवाल सामने हैं। और अब राहुल गांधी की यात्रा पे संकट आन खड़ा हुआ है क्योंकि विधायक शिफ्ट कर गया है, विधायक नाराज चल रहे हैं। क्या चंपई सोरेन उनसे मुलाकात करेंगे, क्या ऐसी कोई खबर आ रही है कि उनके पास वो जाएंगे, तमाम चीजों को उनके समक्ष रखेंगे और ये बोलेंगे कि सरकार बन ही जाएगी, बस आप लोग साथ दीजिए। देखिए, हम चंपई सोरेन का कल का बयान अगर उसे गौर किया जाए तो उन्होंने साफ कहा था कि रामदास सोरेन चूंकि बीमार हैं लेकिन वो हमारे साथ हैं, यानी उन्हें 100% यकीन है सीता सोरेन साथ आ गई हैं। अब नाराजगी दो लोगों की है, चमरा लिंडा और लॉबिन हेमरम की। तो चमरा लिंडा अभी तक सीन में दिखाई नहीं दिए हैं और कहा राजनीति में माना जाता है कि वो बड़ा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बड़े हार्ड बार्गेनर भी हैं, उन्हें कोई हो सकता है बोर्ड निगम का पद चाहिए या मंत्री पद की मांग कर रहे होंगे तब वो समर्थन दे सकते हैं, या फिर वो बीजेपी में जाने का मन बना चुके हैं, उन्हें कोई आश्वासन मिल गया होगा, ये वजह हो सकती है। लॉबिन हेमरम अपनी वजहों से नाराज थे, हेमंत सोरेन से बहुत ज़्यादा नाराजगी थी, वो ऐसा हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। तो अब चूंकि मामला चंपई सोरेन का है, पुराने सहयोगी हैं दोनों, एक साथ झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़े हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि अब लॉबिन हेमरम का समर्थन भी चंपई सोरेन को मिल जाएगा। चंपई सोरेन इतने सहृदय व्यक्ति हैं कि उन्हें किसी से ना दोस्ती है ना दुश्मनी, वो सबसे एक जैसे हैं। लेकिन अब कम समय बचा हुआ है, 8 से 9 महीना बचा हुआ है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से चंपई सोरेन काम करेंगे, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि कैसे वो सभी विधायकों को बचाएंगे और किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई सपने थे जो लगातार वो सभा को संबोधित करते हुए कहते हुए नजर आते थे, तो किस तरीके से यहाँ चंपई सोरेन रूपरेखा बना सकते हैं। देखिए, अभी तक एक दिशा तो हेमंत सोरेन तय कर ही चुके हैं, कई सारी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं। अब चंपई सोरेन जाहिर सी बात है पुराने आंदोलनकारी रहे हैं, उनके मन में भी एक रूट प्लान होगा, और चंपई सोरेन ने इस मामले में कहा जा सकता है कि जनता का प्यार उन्हें खूब मिला है। देखिए, जब जब बीजेपी सत्ता में रही है तो भी चंपई सोरेन विधायक रहे हैं और बहुत कम बार वो काफ़ी लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते रहे, एक बार पहले भी उनके नाम की घोषणा हो चुकी थी। तो देखिए, फिलहाल अभी ये तमाम चीज़ें जो हैं लग रहा है कि चंपई सोरेन सब कुछ मैनेज कर सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति हैं और किसी से उनकी कोई दुश्मनी या अदावत नहीं है। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ ठीक चलेगा और वो साथ लेकर चलेंगे। तो देखिए, चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिया है और ऐसे में कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। एक वो जहाँ पर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री है वो यहाँ से सीधा हैदराबाद के लिए रवाना हो गए हैं, और आपने सुना कि राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने भी कहा है कि जो स्थिति झारखंड में बन रही थी उसे यही साबित हो रहा था कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा है कि बहुमत की सरकार है और तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री है उन्हें यहाँ से हैदराबाद जरूर ले जाया गया है। लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं उसके बाद कैबिनेट की बैठक रखी जाती है, अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कैबिनेट की बैठक कब रखी जाएगी और किस तरीके से तमाम जो कार्य है वो चंपई सोरेन करते हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी तपेश को दे इजाजत, नमस्कार।